आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर पर अपने विभाग में घोटाले करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में प्रेस वार्ता कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है और 30 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है, जिस पर अब रामलाल ठाकुर ने भी जवाब देते हुए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही रामलाल ठाकुर ने वीरेंद्र कंवर को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द उन्हें लीगल नोटिस भेजें, जिसके बाद वह उनके घोटालों को तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश करेंगे। सिंह जो पशुपालन मछली और पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने ऊना में जाके मैंने आपसे जो कहा था उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जी मैंने रामलाल ठाकुर को लीगल नोटिस भी दे दिया और मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीगल नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं पेशे का वकील हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं, जो मैंने बोला है वो मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर माफ़ी मांगे, क्यों अपना समय ख़राब कर रहे हैं? आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके जो है वो कहें कि जी मैंने गलत किया है, तो ये बता देना कि सिविल केस करोगे क्रिमिनल केस करोगे। तो मैं दोनों तरफ से मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। और फिर चीज़ ये है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो सारी कुछ जो है वो मैंने कोर्ट में मेरे को मौका मिल जाएगा, मैं पेश कर दूँगा वहाँ पर। ये बोलना कि रामलाल ठाकुर जो है ना हाई कोर्ट में जाए, मैं क्यों जाऊँ कोर्ट में भाई? और दूसरी जो है ना, जो छुट भाई आप बोल रहा है कि ऊँट भी कूदे लेकिन बोरे भी कूदने शुरू कर गए, ये जो बोल रहा है कि रामलाल ठाकुर जो है ना प्रदेश के अध्यक्ष बनना चाहता था, रामलाल ठाकुर CLP का नेता बनना चाहता था, तो इसको जो है ना क्या 4.5 सालों के बाद नींद खुली इसकी? मैं आप मेरे को बता दो मीडिया में कहीं पर भी रामलाल ठाकुर ने कोई क्लेम किया कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ? बिलासपुर पुलिस व SIU की टीम ने संयुक्त रूप से नशे की तस्करी में शामिल एक नाइजीरियन व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर की SIU टीम ने दो युवकों से चिट्टा बरामद किया था। वहीं पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कबूल किया था कि वह चिट्टा दिल्ली में एक विदेशी मूल के व्यक्ति से खरीदा है, जिसके आधार पर जिला की SIU व पुलिस थाना सदर की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी नाइजीरियन व्यक्ति को जनकपुरी नई दिल्ली से गिरफ्तार कर बिलासपुर पहुंच गई है। इन लोगों के कब्जा से पुलिस ने 20.43 ग्राम जो है वो चिट्टा बरामद किया था। उसके बाद इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मुकदमा नंबर 175/22 दिनांक 19/7/2022 अंडर सेक्शन 2129 NDPS के तहत जो दर्ज किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इनको माननीय अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद इनका आइंदा 23 तारीख तक 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान ही इन दोनों व्यक्तियों ने यह डिस्क्लोज किया कि इन दोनों ने ये चिट्टा जो है वो दिनांक 18 तारीख को दिल्ली में एक नाइजीरियन व्यक्ति से जो है वो खरीदा है, तो जिस पर जो है वो हमने एक क्लब टीम को जो है वो क्लब किया, जिसमें SIU तथा पुलिस थाना सदर की दोनों टीमों को ज्वाइंट करके एक संयुक्त टीम बनाई और उनको जो है वो उन जो मेन जो इस अभियोग में मेन अक्यूज थे उनको साथ लेकर जो है वो इस नाइजीरियन की शिनाख्त के लिए जो है वो आगामी अन्वेषण हेतु दिल्ली भेजा गया था। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शुक्रवार को सीहोल में 50 लाख की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए विपिन सिंह परमार ने सीहोल के लोगों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए बधाई दी और कहा कि प्रदेश में 124 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 45 केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 240 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ केंद्र के रूप में किया गया है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपर बोदा में औषधीय पौधा रोपित किया। पर जो हुआ है वो करना जरूरी था,
इसलिए अगर ये तहसील धीरा के साथ जुड़ गई, ये यहाँ से लंबी दूरी की बस का शुरुआत हो गई, तो ये इलाके के विकास में एक और पंख जुड़ गया। इसकी जानकारी भी मैं आपको और बधाई भी मैं आपको देना चाहता हूँ। सरकार आपने बनाई, वो अपने पंचायत घर में जाए, फार्म भरें और इनकम सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, पटवारी साहब के या किसी रेवेन्यू अफसर के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। फार्म भरें, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर जिनकी उम्र 60 साल हो गई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सभी को पेंशन लगाने का प्रावधान कर दिया है। अब उन्हें क्या कोई बुरा काम करा दे? प्रदेश में एनटीटी के 4,700 पद भरने का संघ ने सीएम जयराम ठाकुर आभार जताया है, जिसको लेकर एनटीटी प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम ने कहा है कि आगामी 28 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की सरकार द्वारा एनटीटी के 4,700 पदों को भरने की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने इस फैसले पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है और कहा है कि इस दौरान सरकार से मांग करते हुए कि एनटीटी पदों की नियुक्ति और एनपीएम के तहत होनी चाहिए तथा आयु सीमा में छूट दी जाए। वहीं वंदना गौतम ने कहा है कि सीसीटीवी की मान्यता के साथ ACTI की तर्ज पर एनसीटी को मान्यता दी जाए। एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया को हमारी HP गवर्नमेंट ने शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का अपने पूरे एनटीटी संगठन की तरफ से धन्यवाद करती हूं, जो कि आज एनटीटी की भर्ती को इस निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया और हम इस भर्ती के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो कार्य पिछले 25 वर्षों से संभव ही नहीं हो पाया था, वो हमारी जयराम सरकार के इस कार्यकाल में पूरा होने जा रहा है। मेरा आज उनसे एक और आग्रह है कि जल्द से जल्द एनटीटी की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें और जो NCTE को की मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनको तो भर्ती प्रक्रिया में लिया ही जा रहा है, लेकिन जो NCT और संस्थान है उन्हें भी कंसीडर किया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न 8 विषयों की टेट परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से 13 अगस्त तक किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 464 सेंटर बनाए गए हैं और 8 विषयों की टेट परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों के 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जानकारी के अनुसार आवेदन करने वालों में जहां TGT आर्ट्स के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो वहीं इसके लिए सेंटर भी सबसे अधिक बनाए गए हैं तथा इस विषय के सेंटर भी सबसे अधिक हैं व परीक्षा का आयोजन प्रातःकालीन व सायंकालीन सत्र में किया जाएगा। हमारे 24 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 13 अगस्त 2022 तक चलेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हमारा JBT और शास्त्री का टेट होगा, जो कि 24 जुलाई को होगा और इसमें ये 2 सत्रों में आयोजित किए जाएंगे। मॉर्निंग में जो है टाइम वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा और आफ्टरनून में जो है ये 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इसमें अब तक जो हमारे 8 टेट होने हैं उसमें कुल अभ्यर्थी जो हैं 48,344 बैठेंगे। और अगर मैं JBT और शास्त्री की बात करूं तो JBT के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो 79 हैं, जिसमें कुल कैंडिडेट्स 8,512 बैठेंगे और शास्त्री के 44 हैं, जिसमें 1,992 कैंडिडेट्स जो हैं ये परीक्षा देंगे। TGT नॉन मेडिकल में हमारे 76 सेंटर्स हैं और कुल अभ्यर्थी 7,922। TGT आर्ट्स के 145 सेंटर हैं और कुल अभ्यर्थी हैं 18,625। लैंग्वेज टीचर के 55 सेंटर्स हैं और अभ्यर्थी रहेंगे 4,898। TGT मेडिकल में 63 सेंटर्स हैं और अभ्यर्थी हैं 6,135। TGT पंजाबी जो है उसमें एक ही सेंटर है और अभ्यर्थी कुल 242 हैं और उर्दू का भी एक ही सेंटर है और अभ्यर्थी 18। मंदिर ट्रस्ट लंगर भवन के बाहर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बारिश और धूप से बचने के लिए किसी भी शेड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने डॉक्टर निपुण जिंदल से मांग की है कि जल्द से जल्द ज्वालामुखी मंदिर के लंगर के बाहर प्रांगण में शेड का निर्माण किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। मेरा
मेरा नाम वंदना है, हम डिस्ट्रिक्ट ऊना से आए हैं। हम यहाँ लंगर के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर ना कोई शेड का प्रबंध है, धूप में खड़े हैं हम यहाँ पर। तो हमें डीसी कांगड़ा जी से यही निवेदन है कि यहाँ पर बाहर शेड का प्रबंध ज़रूर किया जाए, जिससे यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को बरसात और धूप से राहत मिले। धन्यवाद। यहाँ पर फटे हुए टेंट लगाए हुए हैं यहाँ के कर्मचारियों ने, तो हमें यहाँ पे बहुत ही दुख लग रहा है कि यहाँ पर डीसी साहब जी आप ज़रूर यहाँ पर शेड का प्रबंध ज़रूर करें। जय माता दी। मैं यहाँ पर परिवार के साथ आया हूँ ज्वाला जी मंदिर में, और यहाँ पर श्रद्धालु नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर फटा हुआ टेंट लगा हुआ है। बहुत दुख लग रहा है। मेरी ये डीसी साहब कांगड़ा जी से गुजारिश है कि यहाँ पर शेड बनाई जाए और श्रद्धालुओं को थोड़ा इधर राहत मिले, और यही विनती करता हूँ डीसी जी के साथ कि यहाँ पर शेड जरूर बनाया जाए। यहाँ पर लंगर भवन के सामने आगे जो खाली जगह है, वहाँ पर धूप और बारिश से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। चुनावों की चर्चा का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है और कई तरह की बातें अब सामने भी आ रही हैं, जिसको लेकर देहरा के पूर्व विधायक रविंदर सिंह रवि ने आज पालमपुर में ऐलान किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं ठाकुर रविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से उनका संपर्क नहीं हुआ है और आज सोशल मीडिया पर मेरे नाम से प्रचार जारी है। वह चुनाव में क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मंडल को विश्वास में नहीं लिया, जब उनको लेना था विश्वास में नहीं लिया, ये आपने सही कहा। ऐसा विश्वास में लेना चाहिए कि 4.5 वर्ष जो हमारा मंडल वहां पर काम करता रहा, वो उसके उपरांत उनको पूछे बिना ये निर्णय लिया गया है। मैं भी इसमें ठीक नहीं मानता, तो उसमें निर्णय करेंगे। चुनाव लड़ना है, निश्चित है। चुनावों की तैयारियां लगी हुई हैं, हम घूम रहे हैं। जो चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि मेरे ये अच्छे हैं, जहां जहां मेरा क्षेत्र गया हुआ है या जहां से मैंने चुनाव लड़ा है, और आपने ठीक कहा पहले चुनाव जीता हूं, 6 चुनाव लड़े और 6 में से 5 लगातार जीते हैं। और जिला कांगड़ा में मैं नहीं कहता, बड़े अच्छे, बड़े व्यस्त और बड़े हमारे माननीय सम्माननीय यहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से बड़े बड़े पदों पर मुख्यमंत्री यहाँ से रहे हैं, अन्य पदों पर रहे हैं, लेकिन लगातार कोई 5 बार नहीं जीता है। लगातार 5 बार नहीं जीता, हो सकता है 6 बार जीते हैं, 7 बार जीते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक डालकर जीते हैं। ये मुझे मान सम्मान मेरी थुल की जनता ने और उसके उपरांत डेरा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और 5 बार लगातार वहां से मैं चुनाव जीता हूं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पूर्व में ब्लॉक समिति की चेयरमैन रह चुके कर्ण परमार ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पार्टी से टिकट की अपील करके व सियासी मैदान में अपनी दावेदारी की ताल ठोक दी है। हालांकि इससे पहले भी कर्ण परमार शाहपुर विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेसी होने के नाते अपने लिए इस क्षेत्र से टिकट की पैरवी करते और करवाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरेआम ताल ठोककर पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कर्ण परमार जैसे पुराने सिपाहियों के लिए भविष्य में पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। मैं कर्ण परमार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रबल दावेदार हूँ, और मैंने पंचायती राज संगठन में कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अहदों पे काम किया है और 15-20 सालों से शाहपुर हल्के से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ। इस बार भी मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट मांगी है और आशा करता हूँ कि मुझे शाहपुर हल्के से कांग्रेस पार्टी की ओर से नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। देखिए जी, ऐसी बात है कि टिकट मांगना तो सभी का हक है, कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार समझती है जो कि शाहपुर हल्के से सीट निकाल सके। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे शाहपुर से उम्मीदवार बनाती है तो 15 वर्षों से जो सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में नहीं आ रही है, उस सीट को मैं कांग्रेस पार्टी में की झोली में डालूंगा। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में अब कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढालपुर से लेकर डीसी कार्यालय तक रैली निकाली।
वहीं इस रैली में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार नेशनल हेराल्ड मामले के चलते अब गांधी परिवार को फंसा रही है। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, इंदिरा जी कई साल जेल में रहकर, और वो जो है उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान देश की एकता के लिए किया। राजीव गांधी जी को उग्रवादियों ने इस बात के लिए उन्हें उड़ाया गया, उनके चिथड़े चिथड़े बम से किए गए कि वो जो है देश को बचाने की बात कर रहे थे। ऐसे में जो लोग ये हमारे शहीद हुए हैं, जिस अखबार ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, ऐसे इतिहास को जीवित रखने के लिए नेशनल हेराल्ड का जो ये सारा अधिग्रहण किया गया था। लेकिन आज हमें दुख है कि मीडिया को कहीं जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के समक्ष बुलाया नहीं जा रहा है, और मात्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत जो ये नारा देना जा रहे थे। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस एक विचारधारा है और उसके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आज सोनिया गांधी जी है, और मैं ऐसे वक्त में हमारा पूरा संगठन जिला स्तर पे हिमाचल के स्तर पे कांग्रेस के साथ खड़ा है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा यहां पे हमने विरोध प्रदर्शन किया है ये इसी बात को लेकर है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के चलते मंडी जिला के 75 स्थानों पर 75 दिनों के लिए 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को निशुल्क कोविड बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसी के चलते मंडी में जिला कोविड टास्क फोर्स की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी अर्दीम चौधरी ने की। बैठक में हुए सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त मंडी ने कहा है कि जिला में कोविड बूस्टर डोज के कार्य को एक तय सीमा पे पूरा किया जाए, जिससे लोगों को आने वाले संक्रमण से बचाया जा सके। टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि कोविड 19 वैक्सीनेशन के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आगे आने वाले दिनों में इसका एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मंडी जिला के सभी SDM साहिबान, मंडी जिला के सभी विभागों के विभागा प्रमुख, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी और SMO इंचार्ज इसमें उपस्थित थे, जिसमें कि आने वाले 75 दिनों में जो 30 सितंबर तक 18 प्लस आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज लगनी है और बिल्कुल मुफ्त में लगनी है, उसके बारे में चर्चा की गई। पूरा विश्लेषण किया गया, अभी तक डोज वन कितने लोगों को लगी है, डोज टू कितने लोगों को लगी है, प्रिकॉशनरी डोज के कितने हमारे ड्यू बेनिफिशरी हैं, लाभार्थी हैं, और विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई और पूरी रणनीति बनाई गई ताकि 30 सितंबर तक जितने भी हमारे लाभार्थी प्रिकॉशनरी डोज के हैं उनको ये डोज दे दी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।